नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। भाजपा प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट, रीवा जिले में 4 मौजूदा विधायकों पर भरोसा, बाकी होल्ड पर, क्या खतरे में है माननीयों की टिकट। भारतीय जनता पार्टी ने चौथी लिस्ट में रीवा जिले के 4 मौजूदा विधायकों की उम्मीदवारी पर भरोसा जताया है, लेकिन 4 बाकी विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। एक तरफ जहां सोमवार को निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान किया, वहीं इसके ठीक बाद भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की चौथी लिस्ट जारी कर दी। चौथी लिस्ट में 57 उम्मीदवारों के नाम हैं। ये सभी मौजूदा विधायक हैं। इस लिस्ट में किसी भी नए चेहरे को शामिल नहीं किया गया है। रीवा जिले के जिन 4 विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, उनमें सिरमौर का भी नाम है। सिरमौर में दिव्यराज सिंह भाजपा से मौजूदा MLA हैं। पार्टी ने एक बार फिर इन पर भरोसा जताया है। दिव्यराज सिंह 2013 में पहली बार भाजपा से टिकट पाकर सिरमौर के विधायक चुने गए थे। सूत्र यह भी बताते हैं कि सिद्धार्थ राज तिवारी अब भाजपा नेताओं के संपर्क में हैं। वे गत दिनों कांग्रेस से भाजपाई हुए एक बड़े नेता के साथ दिल्ली में भाजपा आलाकमान के पास मिलने पहुंचे हुए थे। अब भाजपा उन्हें अपने पाले में लेगी या नहीं, पाले में लेने के बाद टिकट देगी या नहीं, यह तो समय ही बताएगा। लेकिन सिद्धार्थ के लिए अच्छी बात यह भी है कि अगर वे भाजपाई बनकर टिकट पाना भी चाह रहे हैं, तो अब तक भाजपा ने गुड़ और त्योंथर दोनों जगहों के लिए अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।